यस, हमने मास स्पेक्ट्रोग्राफ पढ़ा और मास स्पेक्ट्रोग्राफ के हमने बहुत सारी पार्ट्स भी देख लिए, उसके कौन कौन से पार्ट्स होते हैं। उसी से रिलेटेड एक नया जो स्पेक्ट्रोग्राफ है उसको कहते हैं हम डबल फोकसिंग मास स्पेक्ट्रोग्राफ, यानी कि ये द्विक फोकस करने वाला द्रव्यमान स्पेक्ट्रोग्राफ होता है। इसमें आपको, क्योंकि इसमें क्या होता है, आपकी वेग और आपका डायरेक्शन दोनों को ही एक साथ फोकस किया जाता है, यानी कि आपकी वेलोसिटी और डायरेक्शन दोनों को आप क्या करते हो, एक साथ फोकस करते हो, इसलिए इसका नाम ही क्या है, डबल फोकसिंग मास स्पेक्ट्रोग्राफ। दोनों क्या है, वेलोसिटी एंड आपका जो डायरेक्शन है वो इसमें फोकस होता है। ठीक है, अब आपके क्या होंगे इसके अंदर कि आपके जितने इसके पार्ट्स वही हैं जो हमने मास स्पेक्ट्रोग्राफ में पढ़ा है, कि वही आयन सोर्स है, वही आपके सिलेंड्रिकल फिल्टर्स हैं, यानी कि आपको कौन सा फिल्टर लेना है, देन आपका मोमेंटम फिल्टर लेना है, देन आपका फोटोग्राफिक प्लेट है। तो कंस्ट्रक्शन में आपका इसी तरह से है कि जैसे जो भी पॉजिटिव आयन्स हैं, पहले तो आयन सोर्स से जिसका भी हमें निकालना है, जिस सोर्स का या जिस एलिमेंट का हमें मास फाइंड आउट करना है, वो आयन सोर्स हम यहाँ पर लगाते हैं। ठीक है, वो आयन सोर्स से आपके क्या होते हैं, आयन्स, एलिमेंट के आयन्स निकलते हैं, देन हम उनको जिस तरह तरह के फिल्टर से उसको निकालते हैं कि जिस फिल्टर से हमें जैसा सोर्स जिस तरह से चाहिए हमें पर्टिकुलर फिक्स वैल्यू वाला, तो उन फिल्टर से उनको गुजारा जाता है, देन हम उसको मैग्नेटिक सेक्टर से निकालते हैं और देन हम उसको फोटोग्राफिक प्लेट पे इंसिडेंट कराते हैं। तो यही आपके क्या है, मेन आपके इसके पार्ट्स हैं। तो ये जब हम ये जो मैग्नेटिक फील्ड से हम जब इसको सेक्टर से निकालते हैं तो हमें एक सीरीज़ के रूप में क्या बीम मिलती है, यानी कि सीरीज़ के रूप में आपके एलिमेंट्स आयन्स मिलते हैं। तो वो जो पोजीशन ऑफ द आयन्स किस पर, जो पोजीशन है वो आयन की किस पर डिपेंड करती है, एम अपॉन एन ई पर। ठीक है, तो इसी वजह से क्योंकि हमारी पोजीशन एम अपॉन एन ई पर डिपेंड करती है, तो जो ब्रेन ब्रिज एंड जॉर्डन नामक के जो साइंटिस्ट थे उन्होंने एक नया स्पेक्ट्रोग्राफ बनाया और वो स्पेक्ट्रोग्राफी डबल फोकसिंग स्पेक्ट्रोग्राफ है, और चाहे आप इसका नाम भी क्या लिख सकते हैं, मेन ब्रिज स्पेक्ट्रोग्राफ बोला जाता है। ठीक है, अब ये इसकी कंस्ट्रक्शन है पूरी, ये इसका पूरा बताया गया है कि क्या क्या चीज़ें होती हैं, तो वही आयन सोर्स, सिलेंड्रिकल फिल्टर, मोमेंटम फिल्टर एंड फोटोग्राफिक प्लेट। जो मैग्नेटिक सेक्टर है उसको हमने किस एंगल पर इंसिडेंट करा रखा है, थीटा इज इक्वल टू 60 डिग्री पे। ठीक है, तो अब इसकी जो आपका वर्किंग क्या होगा, तो वर्किंग सेम वही है, वर्किंग में जो हमारी जो जो आयन सोर्स है इसके अंदर डिस्चार्ज हो रहा है, डिस्चार्ज होने से आपके आयन्स प्रोड्यूस हो रहे हैं, जिस भी एलिमेंट का आपको मास फाइंड आउट करना है, जिस भी परमाणु का नाभिक का आपको मास फाइंड आउट करना है, उसको इस आयन सोर्स के अंदर आयन के रूप में वो क्या होंगी, पॉजिटिव आयन्स इससे निकलने लगेगी। जैसे ही पॉजिटिव आयन्स यहाँ से निकलने लगे, हमने क्या रख रखा है, सिलेंड्रिकल एनर्जी फिल्टर को इसमें यहाँ पर इसके रूप में रख रखा है। तो ये सिलेंड्रिकल एनर्जी फिल्टर है, इसमें आपने क्या करते हैं, हम सिलेंड्रिकल एनर्जी फिल्टर में इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड दोनों को हम क्या करते हैं, आपस में परपेंडिकुलर डायरेक्शन में इंसिडेंट कराते हैं। तो ये सिलेंड्रिकल पैरेलल कैपेसिटर है, एनर्जी फिल्टर है, तो इसमें जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो कैसे लग रहा है, यहाँ से यहाँ तक। ठीक है, ये पॉजिटिव आयंस यहाँ से बीम के रूप में आ रही है, क्योंकि यहाँ पे हमने होल कर दिया था, एक नैरो बीम के रूप में आपको इसको मिल रही है, और मैग्नेटिक फील्ड हमने क्या कर दिया, इसके परपेंडिकुलर डायरेक्शन में लगा दिया, और दोनों को क्या करा हमने, इक्वल कर दिया। तो QVB इज इक्वल टू QE के बराबर कर दिया, Q की जगह हम NE लिख सकते हैं, तो दोनों फोर्स क्या होंगे, एक दूसरे के परपेंडिकुलर है, दोनों एक दूसरे को इक्वल सेंस में हमने लगाया। देन हमने इसको क्या करा, हमने देन ये जो नैरो बीम हमें जो इस पर्टिकुलर एनर्जी की जो हमने मिलने लगी, वो बीम हमने क्या करा, इस मैग्नेटिक सेक्टर से निकाला। और आपको पता ही है मैग्नेटिक सेक्टर में क्या होता है, हमारी जो बीम है वो हमें एक सीरीज़ के रूप में मिलती है, और इसमें हमने मैग्नेटिक सेक्टर भी 60 डिग्री, तो हमें ये मैग्नेटिक सेक्टर ही क्या कहलाता है, आपका मोमेंटम फिल्टर है। यानी कि अब जब इस मैग्नेटिक सेक्टर से जब आपका आयन्स निकलेंगे, जो पार्टिकल्स निकलेंगे वो क्या होंगे, पर्टिकुलर मोमेंटम वाले होंगे, और किस रूप में होंगे, एक सीरीज़ के रूप में मिलेंगे। जैसे ही हमें सीरीज़ के रूप में आपको मिलने लगे, बाद में आके लास्ट में क्या है, फोटोग्राफिक प्लेट लगा रखी है, तो आपके जो पर्टिकुलर मोमेंटम वाले, जो अलग अलग मोमेंटम वाले जो भी पार्टिकल्स होंगे, उनके मास क्या है, डिफरेंट डिफरेंट है, मोमेंटम भी क्या है, डिफरेंट डिफरेंट है, तो
तो हर मास पर्टिकुलर मास वाले जो भी पार्टिकल्स होंगे वो लाइंस के रूप में आपको फोटोग्राफिक प्लेट में मिलने लग जाएंगे, यानी कि डिफरेंट मास का एक सीरीज बन जाएगा, फिर डिफरेंट मास का एक सीरीज, फिर डिफरेंट मास का दूसरा, तो हमें इस रूप में क्या होंगी लाइंस मिलने लग जाएंगी, स्पेक्ट्रम मिलने लग जाएगा पर्टिकुलर मास का और पर्टिकुलर मोमेंटम का। देन हम इसको माइक्रोस्कोप की मदद से देख लेंगे इस स्पेक्ट्रम को, और इस स्पेक्ट्रम को हम देखने पर हमें हम अलग अलग तरह के पार्टिकल्स को स्टडी कर पाएंगे, उसके मास को स्टडी करते हैं। तो ये इसकी क्या है टोटल इसका वर्किंग है, वर्किंग सेम वही आयन सोर्स के बाद में आपका फिल्टर के बाद में आपका मोमेंटम, जो मैग्नेटिक सेक्टर बना, मैग्नेटिक सेक्टर का काम ही ये त्रिज्यखंड वही वाला जो मैंने आपको उसके पार्ट्स में भी समझा दिया कि ये क्या है, मैग्नेटिक फील्ड त्रिज्यखंड के रूप में। तो पर्टिकुलर सीरीज वाले ही हमारे क्या होंगे इससे बाहर निकल पाएंगे। तो पर्टिकुलर मोमेंटम हो गया और मास क्या होंगे, जिस जिस का मास एक जैसा वो एक एक लाइन बनाता जाएगा, जिसको हम फोटोग्राफिक प्लेट पर माइक्रोस्कोप के मदद से देख लेंगे। ठीक है, तो इस रूप में आपको क्या होंगे स्पेक्ट्रम मिलेगा, और जिसकी हम स्टडी करके उस एलिमेंट के आप क्या करेंगे मास फाइंड आउट कर लेंगे। ठीक है, तो ये आपका ब्रेन ब्रिज मास स्पेक्ट्रोग्राफ है। अब हम इसके कुछ कमियां और कुछ एडवांटेज देख लेते हैं। ओके, अब हम इसकी कंटिन्यूशन में इसके एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज देख लेते हैं। तो एडवांटेज में तो यही है कि जैसे आपका जो स्लिट है ये स्लिट ही कहलाएगी, और इसका आपका मैग्नेटिक फील्ड का जो सेक्टर है या आपकी फोटोग्राफी के सब क्या होती है एक ही लाइन में सिचुएटेड होती हैं, तो हमें जो वैल्यू इनकी सीरीज जो मिल रही होती है आयंस जो मिलते हैं वो भी हमें एक सीरीज के रूप में ही मिलते हैं, तो फोटोग्राफिक प्लेट में हमें एक सीरीज मिल जाती है। ठीक है, नेक्स्ट जो है कि इसका जो रिजॉल्विंग पावर यानी कि हर एक स्पेक्ट्रम लाइन को अलग अलग देखना, माइनर अगर बीच में भी बहुत कम डिफरेंस तब भी हम उसका रिजोल्यूशन क्या है बहुत अच्छा है, और कितना अच्छा है 10^4, तो उससे हम हर एक लाइन का मास आसानी से क्या कर सकते हैं फाइंड आउट कर सकते हैं। ऐसे पास है तब भी हम उसका रिजोल्यूशन क्या है बहुत अच्छा है, उस वजह से हम एक्यूरेट मास उसका फाइंड आउट कर सकते हैं। देन आपका जो मास स्पेक्ट्रम जो उससे हमें जो स्पेक्ट्रम मिल रहा है वो रेखिक मिलता है, नहीं आपको ऐसा यूनिक जैसे आपके बहुत सारे थीटा के रूप में या आपके कौन सा अलग तरह का स्पेक्ट्रम मिले, हमें कैसा मिलता है इसका रेखिक रूप में इसका लीनियर मिलता है, तो हम इसकी स्टडी आसानी से कर पाते हैं। ठीक है, देन हमें जो द स्पॉट जो मिलता है फोटोग्राफिक प्लेट पे वो बहुत क्लियर मिलता है, क्लियर और सिमेट्रिक मिलता है, जिससे हम उसकी स्टडी अच्छे से कर पाते हैं। नेक्स्ट जो इसकी हायर इंटेंसिटी क्यों होती है, क्योंकि आपकी वेलोसिटी और पोजीशन साइमल्टेनियसली उस फोटोग्राफिक प्लेट में मिलती है, तो उसकी इंटेंसिटी क्या इस वजह से आपकी इंटेंसिटी उस पर क्या हो जाती है बहुत हाई मिलने लग जाती है। तो ये इसके पर्टिकुलर एडवांटेज है, जैसे लीनियर हैं तीनों एक फोटोग्राफिक वर्टिसेस स्लिट में, रिजॉल्विंग पावर अच्छा है 10^4 कैटेगरी का, लीनियर है इनके जो अभी आपके मिलते हैं आपको स्पेक्ट्रम, क्लियर मिलता है, एंड देन हाई इंटेंसिटी ड्यू टू द वेलोसिटी एंड पोजीशन साइमल्टेनियसली उस पर इंसिडेंट होते हैं। तो अब इसमें कुछ एडवांटेज है तो कुछ डिसएडवांटेज भी हैं। डिसएडवांटेज ये है कि इसकी सेंसिटिविटी रिड्यूस हो जाती है जैसे ही आपका रिजॉल्विंग पावर बढ़ता है, तो अगर हाई रेजोल्यूशन है उसका तो उसकी सेंसिटिविटी क्या होती है कम होने लग जाती है। देन आपने हाई एक्सेलरेटिंग वोल्टेज इसमें यूज़ करा है तो ये भी इसकी डिसएडवांटेज है। देन जैसे ही आपने अगर आपका मास अगर बढ़ता हुआ चलता है स्पेक्ट्रम में तो उसका रिजॉल्विंग क्या होता है घटता हुआ चल जाता है, तो ये इसकी डिसएडवांटेज और ये इसकी एडवांटेज। ओके, नेक्स्ट हम थोड़ा सा जो इतना इम्पोर्टेंट नहीं है हम न्यूट्रॉन की कुछ प्रॉपर्टीज देख लेंगे, प्रॉपर्टीज ऑफ द न्यूट्रॉन। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे प्रॉपर्टीज ऑफ न्यूट्रॉन्स में बहुत सिंपल प्रॉपर्टी है, जैसे हम पहला जानते हैं कि न्यूट्रॉन क्या है, एक न्यूट्रल पार्टिकल है, तो उस पर कोई चार्ज होता ही नहीं है, तो ये आपका इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड से अफेक्टेड नहीं होता, तो इट इज़ नॉट अफेक्टेड बाय इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है, इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड से ये अफेक्टेड नहीं होता है। सेकेंड, इसका जो मास होता है वो प्रोटोन के मास के इक्वल होता है, तो मास इक्वल टू द
मास ऑफ प्रोटॉन, ओके। और ये क्या करता है, बहुत थिक लेयर ऑफ द मिरर है, उसको भी आपको कट कर सकता था, कट थिक लेयर ऑफ एनी मिरर, ठीक है। क्योंकि ये न्यूट्रल पार्टिकल होता है तो इसका पाथ कोई यानी कि ये डिटेक्ट नहीं कर सकता, क्योंकि न्यूट्रल पार्टिकल तो उसका पाथ कोई एग्जैक्ट नहीं होता, तो हम इसको डिटेक्ट नहीं कर सकते हैं। डज नॉट हैव एनी पाथ, इट हैज डज नॉट हैव एनी पाथ, सो इट नॉट बी डिटेक्टेड, यानी कि हम इसका कोई पर्टिकुलर पथ नहीं होता है तो हम इसको डिटेक्ट नहीं कर सकते, हम इसको जान नहीं सकते कि ये कहाँ पर है, ठीक है। फिर और जो आपका न्यूक्लियस है वो आपको सभी को भी पता है, न्यूक्लियस है वो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन से मिलके बना हुआ है, और आपका जो ये न्यूट्रॉन है वो अकेला नहीं रह सकता, फ्री स्टेट में नहीं रह सकता, इसको डिके होना ही पड़ता है। वो डिके होके किस में होता है, जैसे ये न्यूट्रॉन है तो जब ये डिके होता है ये फ्री स्टेट में नहीं रहता, तो ये किस में चेंज हो जाता है, एक प्रोटॉन में चेंज हो जाता है, जिसके साथ वो एक प्रोजेस्ट्रॉन, एक एंटी न्यूट्रिनो और एक एनर्जी रिलीज करता है। तो ये इसकी कुछ प्रॉपर्टीज़ है। नेक्स्ट हम एक डबलट मेथड देख लेते हैं, जो आपके एग्ज़ाम में आता है उसको न्यूमेरिकल टाइप में, तो उसको डबलट मेथड को मैं एक न्यूमेरिकल से ही उसको समझा देती हूँ, ठीक है। अब हम एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक पढ़ेंगे, इसका न्यूमेरिकल आता है और न्यूमेरिकल ही मैंने यहाँ पे लिखा रखा है। आपका है टॉपिक डबलट मेथड इन मास स्पेक्ट्रोग्राफ, या फिर द्रव्यमान द्विक विधि से परमाणु का द्रव्यमान ज्ञात करना। अब हमने जब ये मास स्पेक्ट्रोग्राफ पढ़ा था तब उसमें देखा था कि जैसे इसका जो रेजोल्यूशन क्या है बहुत अच्छा होता है, तो क्या है आपके जो जो आपके एलिमेंट्स हैं, जैसे ये एलिमेंट है ये एलिमेंट, तो इनके मास क्या होते हैं, ये मास इस विधि से क्या होते हैं, इनके मास जो कि जो स्पेक्ट्रल लाइन्स बहुत पास पास आ जाती है, तो हम ये मेजर नहीं कर पाते हैं कि ये इसकी है ये स्पेक्ट्रल लाइन कि ये इसकी है स्पेक्ट्रल लाइन, हम इसको मेजर नहीं कर पाते हैं, क्योंकि हमारे मास स्पेक्ट्रोग्राफ के लिए एम अपॉन एन ई इन दोनों के लिए क्या है 28 ही है लमसम, तो इनका जो स्पेक्ट्रल लाइंस बनेगी वो क्या होंगी, एक जैसी ही बनेंगी। इनका क्या है, सिर्फ पूर्णांक की मान तो सेम होता बट दशमलव वाली जो चीज़ है वो ही चेंज होती है, तो स्पेक्ट्रल लाइंस बिल्कुल पास पास होती हैं, तो हमारे पास में जो ग्राफ बनता है या फोटोग्राफ लाइट में इस तरह से स्पेक्ट्रल लाइंस बन जाती हैं, इस तरह से या ऐसी ऐसी पास पास बन जाती हैं। तो अब हम क्या कर सकते हैं, इस विधि से हम क्या एग्जैक्ट उसका द्रव्यमान ज्ञात कर सकते हैं, कि उसका एग्जैक्ट द्रव्यमान क्या होगा, किस विधि से कर सकते हैं, द्रव्यमान द्विक विधि से हम किसी भी परमाणु का एग्जैक्ट द्रव्यमान ज्ञात कर सकते हैं, कब, जब उनका m अपॉन e लमसम क्या हो, इक्वल हो। तो आपका जैसे एक न्यूमेरिकल है, हम जब हमारे पास में इस तरह का, क्योंकि इन्हीं चीज़ों के क्या होते हैं मास एकदम इक्विवेलेंट होते हैं, तो हमने एक स्टैंडर्ड फॉर्म बना दिया कि O16 है तो उसको O ही लिखेंगे, C12 है C लिखेंगे, H2 को D लिखेंगे और H1 को H लिखेंगे, ठीक है। अब हमारे पास में एग्जांपल क्या है कि हमारे पास में मान लीजिए लेट अस कंसीडर कि हमारा जो उसका द्रव्यमान है किनका, H21+ और H2+ का माइनस H32+ माइनस C12++ तथा C12H1 H4 और माइनस O16 के द्रव्यमान अंतराल, यानी कि इनके जो डिफरेंस है वो बहुत कम हमें प्राप्त होते हैं, और वो कितने हैं, 1.54825, सेकंड के लिए 42.3065, और इसके लिए हमारे पास में इनका द्रव्यमान अंतराल क्या है, बहुत कम है, कितना कम है, इस डिजिट में कम है। तो अब हम क्या करेंगे, हमें हमेशा कार्बन को ही स्टैंडर्ड मान के काम करना है, वैसे भी एटॉमिक मास में हम कार्बन को स्टैंडर्ड मानते हैं, तो कार्बन C12 जो है उसका 12 एटॉमिक मास यूनिट मानते हुए हमें किसका किसका मास, क्योंकि इनका तो डिफरेंस हमें पता है, हमें इनका एग्जैक्ट मास नहीं पता है, तो इसका इसका और इसका हमें क्या मास निकालना है। इसको अब हम कैसे लिखेंगे, हम एक इक्वेशंस बनाएंगे, इक्वेशन कैसे बनानी है, H2 है, H1 को तो H ही लिखते हैं, तो 2 है तो क्या लिखेंगे, 2H, माइनस H2 को क्या लिखते हैं हम, H2, इस H2 को हम डिटेरियन D के रूप में लिखेंगे, और इनका डिफरेंस किसके बराबर है, A के बराबर, वो A लिख दिया हमने। अब नेक्स्ट है आपका
H3 यानी कि क्या हो गया आपके पास में, यानी कि H ही एक तरीके से, लेकिन क्या है, 3 है, इसलिए 3D लिखेंगे उसको, क्योंकि 2 को क्या लिखा है हमने, D के रूप में, तो ये क्या हो जाएगा 3D माइनस, क्योंकि यहाँ पे 2 पॉजिटिव हैं तो क्या लिखेंगे, हाफ ऑफ C, इनका डिफरेंस किसके बराबर है, B के बराबर। नेक्स्ट थर्ड इक्वेशन क्या बनेगी, C12, C को हम क्या लिखते हैं, C12 को C ही लिखेंगे, C लिखा, प्लस कितना आ गया 4H एंड देन माइनस ऑफ O 16 को O लिखा, इसका डिफरेंस कितना है, C के बराबर। अब हमें स्टैंडर्ड किसको मानना है, C को, तो C को कितना लिखना हमें, 12 लिखना है। अब हम इक्वेशन में इसको इस पहले यहाँ से स्टार्ट कर देंगे, C की जगह हम क्या लिखेंगे, 12 लिख देंगे, देन हम इस इक्वेशन को सॉल्व करेंगे, 12 लिखो यहाँ पे, तो क्या हो गया आपके पास में 6 आया, तो D इज इक्वल टू क्या हो जाएगा आपके पास में, जब हम कॉमन ले लेंगे तो क्या हो जाएगा 2 अब प्लस 1/3 बी बन गया। अब हम इस D का मान हमारे पास में आ गया, इस D का मान हम चाहें इसमें इसको भी सोल्व कर लो, C की जगह यहाँ पे 12 लिख के प्लस 4H माइनस ऑफ O, ठीक है, और ये C वो दूसरा वाला C है, ठीक है, तो अब हमारे पास में 4H माइनस O क्या बन गया, 4H माइनस O इज इक्वल टू C माइनस 12, ठीक है, तो अब हमारे पास में एक तरह से इक्वेशन क्या बन गई इस रूप में। तो अब हम क्या करेंगे, इनको हमारे D के मान में आ गया, अब हम इनको इनमें इनके इसके D का मान अगर ये आ गया तो D का मान हमने इसमें पुट कर दिया, D का मान इसमें पुट कर दिया, और A का मान हमें पता ही है, तो H का मान हम इससे आसानी से निकाल सकते हैं, क्योंकि A और B हमें पता है, H का मान निकल जाएगा, और किसका मान, इसी तरह से हम दूसरी इक्वेशन को सॉल्व कर लेंगे, तो हमारे सारे H1, H2 और O16 के मान एटॉमिक मास यूनिट में निकल जाएंगे। तो आपको पेन तो इक्वेशन बनानी आनी चाहिए, और इक्वेशन बनाने के बाद में आप उसको सी को स्टैंडर्ड लेते हुए, वैसे उसमें बोलते हैं न्यूमेरिकल में बोलेंगे कि इसको स्टैंडर्ड लेना है, देन स्टैंडर्ड लेते हुए आप इनको इक्वेशन जैसे सोल्व करते हैं वैसे इसको सोल्व करना है। तो ये आज आपकी यूनिट नंबर जो 1 थी न्यूक्लियर फिजिक्स की, वो आज कंप्लीट हुई है। अब हम नेक्स्ट यूनिट 5th पढ़ेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू।